हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। बहुत सारी महिलाओं को, लड़कियों को पीरियड्स अनियमित होते हैं। पीरियड्स आते ही नहीं है समय से, जब तक वो दवा ना ले तब तक उनको पीरियड्स नहीं आते हैं। कई बार कम समय की प्रॉब्लम अगर होती है तो जल्दी हल हो जाती है, लेकिन बरसों से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से अपने लाइफ स्टाइल में, खान पान में चेंजेस करने हैं। केवल दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आपके पीरियड्स बिना गोली के, बिना दवा के हमेशा रेगुलर रह सकते हैं। उसके लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप टिप्स फॉलो करें, साथ में पेशेंस रखें, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। सपोज किसी महिला का, किसी लड़की का ड्यू डेट चला गया है, पीरियड की डेट चली गई है, अब वो परेशान है कि उनको प्रेगनेंसी भी नहीं है और उन्हें पीरियड भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि वो मेडिसिन लें। अब क्या करें, अगला कदम आपको क्या उठाना है? तो सबसे पहली चीज कि अपने दिमाग को आप सब्र सिखाएं, थोड़ा सा पेशेंस रखें और उसके बाद आप अगली चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करें। अगर आप बिना दवा लिए अपने पीरियड्स को नियमित करना चाहती हैं तो इसके लिए आपको दो काम करने ही होंगे और उसके रिजल्ट का इंतजार करना होगा। जितना जल्दी आपकी बॉडी हार्मोनी में आती है, हार्मोन्स रेगुलर होते हैं, तुरंत से आपके पीरियड्स ठीक हो जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए ठीक रहेंगे, क्योंकि आप उस प्रॉब्लम को अब जड़ से खत्म करने जा रही हैं। सबसे पहली चीज, डाइट में क्या आपको करना है, प्रोटीन बढ़ाना है, बीन्स खाना स्टार्ट कीजिए, चने खाना, भिगोए हुए चने खाना स्टार्ट कीजिए, दालें अंकुरित करके खाइए, अनाज पे ध्यान दीजिए, जंक फूड खाती हैं तो जंक फूड को कम कर करके, थोड़ा कम करते करते उसको बंद कर दीजिए। जंक फूड खाते समय लोग ये बहाना देते हैं कि इसके अंदर वेजिटेबल्स भी तो हैं। वेजिटेबल्स तो हैं, लेकिन जो रिफाइंड कार्ब है उसके अंदर वो आपको बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा रहा है, वो आपके हॉर्मोन्स ठीक से नहीं बनने देगा, इसलिए सब्जियों का बहाना देकर अब जंक फूड बिल्कुल भी मत खाइए। तीसरी चीज कि आपको एक चाय शुरू कर देनी चाहिए, कोई भी एक चाय आप ले सकते हैं। मैंने कई सारी फर्टिलिटी टी के बारे में बताया है, उसमें से दालचीनी ले सकते हैं, रास्पबेरी टी ले सकते हैं, पीसीओएस अगर आता है तो पिंक स्टॉक फर्टिलिटी टी या पीसीओएस की कोई भी टी ले सकते हैं, जैसबेरी टी ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारी टी के बारे में मैंने बताया है, मोरिंगा, तेज पत्ता, ऐसे कई सारे हर्ब्स हैं जिनकी चाय बना के आप ले सकते हैं, जो आपके बॉडी में हॉर्मोनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए उपयुक्त होती है। सबसे अच्छी अगर आप कहें तो मैं आपको रास्पबेरी टी लेने के लिए कहूंगी, अगर आप गर्भधारण की तैयारी कर रही हैं और पीरियड आता ही नहीं है तो आप रास्पबेरी टी या फिर दालचीनी के पानी को अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। एक बार दालचीनी का पानी, एक बार रास्पबेरी टी, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये तो हुई डाइट की बात। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये कि आपको डेली थोड़े से एक्सरसाइज करनी, लैग अप द एक्सरसाइज, लैग अप द वॉल पोजीशन जो होता है, विपरीत करनी आसन, जिसको आप अपने बेड पे ही कर सकते हैं, सुबह जब आप सो के उठती हैं उसी समय आप कर सकती हैं। तो इस पे मेरा अलग से वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपने बेड पे ही इस एक्सरसाइज को करेंगी, करने से पहले सावधानी क्या रखनी चाहिए, करने का तरीका क्या होना चाहिए, सारा बात मेरे उस वीडियो में है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आप उस समय चाय कॉफी ना लें। इन दिनों आप चाय या कॉफी, कैफीन युक्त कोई भी ड्रिंक आपको नहीं लेनी है। क्यों? आप ये जितना प्रयास कर रही हैं, इन सब से जो भी पोषण मिलने वाला है, जैसे कि बी ग्रुप के विटामिन्स हैं और कई सारे मिनरल्स हैं, उनका बॉडी में एब्जॉर्प्शन होगा और फिर हार्मोन्स धीरे धीरे बैलेंस में आएंगे, बॉडी एकदम ट्यून में आएगी। लेकिन चाय और कॉफी अगर लेते हैं तो ये पोषक तत्व बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे, इसीलिए चाय और कॉफी का सेवन अपने स्वभाव को कंट्रोल करके, अपनी आदत को कंट्रोल करके थोड़े समय के लिए आप छोड़ सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग तरीका है हमेशा हमेशा के लिए बिना दवा, बिना गोली के अपने पीरियड्स को रेगुलर रखने का। अगर ये दो काम आप करती हैं, डाइट पे कंट्रोल और एक्सरसाइज की छोटी छोटी बातें, कम से कम 20 मिनट डेली एक्सरसाइज बजाय पीरियड के डेज के, 5-6 दिन आप हर दिन एक्सरसाइज जरूर करें, इससे आपके पीरियड्स हमेशा रेगुलर रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप अपने परिवार में, बच्चियों, लड़कियों, महिलाओं, दोस्तों को शेयर करेंगे जिनको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि बिना मेडिसिन के वो हेल्दी लाइफ जिए, लेकिन उसे तरीका नहीं पता। तो ये जानकारी आप शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।